फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे ने एक आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से 392 ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि दशहरा, दिवाली और छठ पर लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में किसी तरह से दिक्कत ना हो। दिल्ली से पटना, वाराणसी, गोरखपुर, मुंबई और भी कई जगहों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही रेलवे ने यात्रियों को कोरोना के सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा है ताकि कोरोना किसी भी तरह से इस यात्रा के दौरान ना फैले। तो फेस्टिवल सीजन के चलते रेलवे का ये बड़ा तोहफा मुसाफिरों के लिए सामने आ रहा है। आज से ही 392 जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो शुरू हो रही हैं, सभी प्रोटोकॉल का, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना होगा, ये खुद की भी जिम्मेदारी। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने फैसला लिया है कि आज से 392 ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो ट्रेनें होंगी वो दिल्ली से पटना, वाराणसी, गोरखपुर, मुंबई, तमाम तरह जगह की ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया था, चूँकि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, दशहरा, दिवाली और छठ को देखते हुए ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे पहले अब तक करीब 666 ट्रेनें जरूर चलाई जा रही हैं, लेकिन ये देखते हुए चूँकि यात्रियों की डिमांड हो रही थी, मांग थी, कोविड का टाइम है और ऐसे में ज़्यादा ट्रेनें सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से नहीं चलाई जा रही थी। चूँकि फेस्टिव सीजन है, त्योहारी सीजन है और ऐसे में लोगों को अपने घर जाने हैं, तो इसी यही वजह है कि रेलवे की तरफ से फैसला किया गया था कि 392 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये मतलब आज से जो ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। कैसा है, क्या माहौल है, यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या है? सर, सुबह से आया हूँ मैं, सुबह 2:50 में यहाँ आ गया। स्पेशल ट्रेन आज आई थी, गया से आई थी दिल्ली के लिए, महाबोधि एक्सप्रेस, तो बिल्कुल खाली आई थी, कोई नहीं बैठा था, यानी सवारी के खुद का डर लग रहा है कोरोना का, और कोई भी नहीं बैठ रहा ट्रेनों में। कोरोना फिर कैसे काम किया? अब कोरोना में वैसे ही काम किया, डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क लगाया, सैनिटाइजर किया, और कोविड के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं, चाहे मास्क की बात हो या फिर ऐप की बात हो कि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तमाम जो चीज़ें प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से दी गई थी उसका पालन करते हुए यात्रियों को इन ट्रेनों में सफ़र करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।